गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने मैट्रिक्स चैप्टर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमिनेंट में हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मतलब आज हम सिंपल बेस एक बार बनाते हैं, पहले माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालते कैसे, ठीक है। पहले हम इसको स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट सारी चीजें थ्रेटिकल बाद में करते हैं। ओके, माइनर्स में हम क्या करते हैं, सपोज पहले हम 2x2 स्क्वेयर मैट्रिक्स में ही माइनर्स पॉसिबल है, ठीक है। माइनर्स और कोफैक्टर्स जो है वो सिर्फ स्क्वेयर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, बट जो ये दोनों होते हैं ये डिटर्मिनेंट में निकालते हैं। और डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हो, ये ब्रैकेट से, जैसे मैट्रिक्स को करते हो इस ब्रैकेट में, बट डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हो आप इस टाइप में, ठीक है। सपोज कर लो ए आपके पास डिटर्मिनेंट है ये वाला, और आपको इसके माइनर्स भी निकालने हैं कोफैक्टर्स भी निकालने हैं, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर ऑफ, ये कौन सा एलिमेंट है, माइनर ऑफ वन, ठीक है। ये वन जो है इसको आप क्या बोलते हो, ए वन वन। उसके बाद हम माइनर ऑफ निकालेंगे फोर, ये क्या है, ए वन टू। फिर माइनर ऑफ हम निकालेंगे थ्री, ये क्या है, ए टू वन। देन लास्ट में हम निकालेंगे माइनर ऑफ टू, दैट इज ए टू टू, ठीक है। पहले तो हम माइनर्स निकालेंगे। हाँ जी, वन का माइनर क्या होगा बेटा, क्या होता है, वन के सामने वाला एलिमेंट कौन सा है, टू। तो आपका वन का माइनर क्या आ गया, टू। फिर फोर का माइनर क्या होगा, फोर का माइनर क्या होगा, हाँ जी फोर के सामने क्या है, थ्री। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। नेक्स्ट थ्री का माइनर क्या होगा, थ्री के सामने क्रॉसबॉन्डिंग क्या है, फोर। तो मींस इसका क्या हो जाएगा, फोर। फिर टू का क्या हो जाएगा, टू के क्रॉसबॉन्डिंग क्या है, वन। तो इसका आ जाएगा आपके पास वन, ठीक है। तो ये तो थे माइनर्स। आगे माइनर्स सिंपल से थे, भी जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं सभी का वन बाय वन हम लोग माइनर निकाल लेंगे। सिमिलरली हम निकालते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ वन। तो इसमें भी वही सभी एक एक एलिमेंट्स के हम निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ निकलोगे यहां पे फोर का, है ना, फोर क्या है, ए वन टू है। फिर हम कोफैक्टर किसका निकालेंगे, थ्री का, ए टू वन है। नेक्स्ट हम निकालेंगे टू का, ए टू टू है। ओके, अब हम कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत सिंपल है। कोफैक्टर ऑफ वन, वन के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, टू, जैसे माइनर निकाला था। फोर के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, थ्री। थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, फोर। टू के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, वन, ठीक है, जैसे माइनर निकाले थे। एज इट इज वहां तक तो आप सेम निकालोगे, आफ्टर दैट एक स्टेप ऐड कर दोगे, क्या, माइनस वन की पावर, सभी में माइनस वन की पावर लगा दोगे। ओके, माइनस वन की पावर क्या आएगी, जितने भी ये स्फिक्स हैं, जो ये वन और वन, ये स्फिक्स को ऐड कर दो, क्या बन गया, टू। वो पावर में लिख दो, वन प्लस टू क्या आ जाएगा, इसकी पावर थ्री। यहां पे टू प्लस वन दैट इज थ्री अगेन, यहां पे टू प्लस टू दैट इज फोर, ठीक है। तो ये आपका आ गया, तो मींस इसको आप सॉल्व कर लो, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन नहीं, तो ये टू आ जाएगा। माइनस वन का क्यूब क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन इंटू थ्री, माइनस थ्री आ जाएगा। फिर माइनस वन क्यूब दैट इज माइनस वन इंटू फोर, माइनस फोर आ जाएगा। ये आ जाएगा वन इंटू वन दैट इज वन,
ठीक है, कोफैक्टर्स आ गए आपको निकालने। हम एक क्वेश्चन और लिख के चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। सपोज कर लो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख के चले। सेकेंड क्वेश्चन, ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, 1 के बजाय यहाँ पे 7 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, मतलब 5, 3। ये सपोज क्वेश्चन है, इसमें आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या करोगे, माइनर ऑफ क्या जाएगा, 7 है ना, 7 कौन सा एलिमेंट है, a11, फिर माइनर ऑफ लिख लोगे आप, किसका निकालेंगे, -4 का, -4 क्या है, a12, फिर हम माइनर किसका निकालेंगे, 5 का, 5 क्या है, a21। नेक्स्ट हम माइनर निकालेंगे 3 का, ठीक है, और ये एलिमेंट कौन सा है, a22। ओके, अब हम करें माइनर ऑफ 7 क्या आएगा, 7 के क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3, तो 3 आ गए। -4 के क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5, 5 के क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -4, 3 के क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज 7। बच्चा ये तो आ गए आपके पास माइनस। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स ऑफ 7, दैट इज a11, कोफैक्टर ऑफ -4 दैट इज a12, कोफैक्टर ऑफ 5 दैट इज a21, कोफैक्टर इज ऑफ 3 a22। हाँ जी, तो 7 के क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3, जैसे माइनर किए थे, -4 के 5 है, और 5 के -4 है, और 3 के 7 है। अब हमें क्या करना है, आगे हमें -1 की पावर ऐड करनी है, है ना, -1 की पावर, -1 की पावर क्या ऐड करेंगे, डिपेंड करता है स्फिक्स के ऊपर। 1 प्लस 1 तो क्या जाएगा, 2, 1 प्लस 2 दैट इज 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 2 दैट इज 4। ओके, तो ये क्या जाएगा, -1 स्क्वेयर दैट इज 1 इंटू 3, -1 क्यूब दैट इज -1 इंटू 5, -5, -1 क्यूब ये आ जाएगा -1 इंटू -4, कितना आ जाएगा, 4, -1 की पावर 4, 1 नहीं आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 7 दैट इज 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब 2 बाय 2 का तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम आते हैं 3 बाय 3 पे। सपोज कर लो, एक आपके पास डिटर्मिनेंट है, सिंपल सी कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज कर लो यही ले लेते हैं, ठीक है, ए आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका आपने माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं, कैसे करोगे। हाँ जी, ये हम थोड़ा सा रफली यूज कर लेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो हम माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ 1 का दैट इज a11 है, ओके, पहले सारा लिख लेते हैं, माइनर ऑफ, फिर हम निकालेंगे 2 का, ये है आपके पास a12, देन माइनर ऑफ 3 का, ये है 1 3
देन हम निकालेंगे माइनर ऑफ फोर का ए टू वन, देन माइनर ऑफ फाइव का ये होता है ए टू टू, ओके, देन माइनर ऑफ सिक्स का ये था ए टू थ्री, देन माइनर ऑफ सेवन ए थ्री वन, माइनर ऑफ एट ए थ्री टू, माइनर ऑफ नाइन ए थ्री थ्री, ओके यही था है ना सारा, मैंने वो लिख दिए इनके। सबसे पहले माइनर ऑफ वन, बेटा वन का माइनर क्या होगा, वन के क्रोस्पॉन्डिंग क्या है, वन के क्रोस्पॉन्डिंग ये देखो ये एक कंप्लीट दो है, वन के क्रोस्पॉन्डिंग फाइव सिक्स एट नाइन, जब टू बाय टू की बात करते थे तब तो एक ही एलिमेंट सामने पड़ा होता था, हम वो उठा के लिख देते थे, बट यहाँ पे एक एलिमेंट की बजाय आपके पास फोर एलिमेंट्स है, वन के क्रोस्पॉन्डिंग देखो यहाँ पे फोर एलिमेंट्स पड़े हैं, तो हमने फोर के फोर एज इट इज लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट टू की बात करते हैं, टू पे हमने कैसे करना है, इसमें टू की रो को छुपा लो, मतलब ये रो को छुपा लो और टू के कॉलम को छुपा लो, ठीक है, मतलब टू की रो को छुपा लो, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये है ना, तो हमने क्या किया टू की रो को छुपा लिया और टू के कॉलम को छुपा लिया, आपके पास एलिमेंट्स कौन से बचे, फोर सिक्स सेवन एंड नाइन, फोर सिक्स सेवन एंड नाइन। सिमिलरली थ्री की बात करते हैं, थ्री में भी क्या किया, रो को छुपा लिया कॉलम को छुपा लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, फोर फाइव सेवन एट, फोर फाइव सेवन एट, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम करते हैं, पहले हम ये एक बार देख ले, फिर फोर, फोर में क्या करेंगे, वन टू थ्री फाइव था है ना, ये एट, अच्छा फोर वाले में क्या करेंगे, फोर के रो कॉलम को छुपाया और फोर की रो को छुपा लिया, तो बचे कौन कौन से एलिमेंट्स, टू थ्री एट नाइन, ओके। नेक्स्ट फाइव, फाइव में ये वाली कॉलम को छुपा लिया, ये रो को छुपा लिया, मीन्स वन थ्री सेवन नाइन, वन थ्री सेवन नाइन। नेक्स्ट सिक्स पे, सिक्स की कॉलम को छुपा लिया, रो को छुपा दिया, वन टू सेवन एट, नेक्स्ट सेवन कॉलम को छुपा लिया रो को छुपा लिया, ठीक है, तो मीन्स टू थ्री फाइव सिक्स, ओके। एट में कॉलम को रो को, वन थ्री फोर सिक्स, देन नाइन मीन्स ये कॉलम और ये रो, वन टू फोर फाइव, ओके। अब अपना पर्पस है इनको सॉल्व करना, इसको कैसे सॉल्व करें बेटे, जैसे हम सपोज कर लो अपने पास फाइव सिक्स एट नाइन इसी का डिटर्मिनेंट है ना, क्या करोगे, पहले तो जैसे हम एक्स्ट्रो करते हैं, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐसे लिख आएंगे, ठीक है, जैसे एक्स्ट्रो करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू फाइव
इंटू नाइन, देन इन दोनों को कर देंगे 8 इंटू सिक्स, इनके बिटवीन हम लोग माइनस को पुट कर देंगे। ओके okay? इसको सोल्व कर लो, 5 9 45 माइनस 48, देन इट विल बिकम माइनस 3। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, माइनस 3। ओके नेक्स्ट, टू का क्या करेंगे, 4 and 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, है ना, यहीं पे कर लो, 4 and 9 को मल्टीप्लाई कर लोगे, -6 and 7 को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो क्या आ जाएगा, 36 minus 42, 36 minus 42, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। ठीक है, नेक्स्ट ये आप चाहे रफली कर लो बेटा, चाहे यहां पे सॉल्व कर लो, 4 8, या आप यहीं पे करवा देते हो, 4 into 8 minus 5 into 7, तो ये आ जाएगा आपका 32 minus 35, ठीक है, -3 आ गया। नेक्स्ट 2 into 9 minus 8 into 3, इसको सॉल्व करो, 18 minus 24, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। यहां पे 9 minus 21, है ना, 1 into 9 9 ही आ गया, -7 into 3 21 आ गया, तो ये आपके पास कितना आ गया, -12। देन 1 into 8 minus 2 into 7, तो ये कितना जाएगा, 8 minus 14 means -6। ठीक है, नेक्स्ट 2 into 6 that is 12, 3 into 5 minus 15, तो ये आ जाएगा -3। सिमिलरली 1 into 6 6 आ गया, 4 into 3 12, तो माइनस कितना आ जाएगा ये आपके पास, -6। नेक्स्ट 1 into 5 5 ही आ गया, 4 into 2 8 आ गया, माइनस पुट किया तो ये आ जाएगा आपके पास -3। ठीक है, तो बेटा ये तो हमने निकाल लिए थे माइनस, अब हम बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ 1, वही सेम a11, है ना, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3, मतलब सारे आप यही निकाल लोगे, 2 आ जाएगा a12, कोफैक्टर ऑफ 3 आ जाएगा a13, कोफैक्टर ऑफ 4 a21, कोफैक्टर ऑफ 5 a22, मीन्स कोफैक्टर ऑफ 6 a23, देन कोफैक्टर ऑफ 7 a31, कोफैक्टर ऑफ 8 a32। ठीक है, तो बेटा सेम ही है, सबसे पहले मीन्स क्या करना है, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स जो हमने माइनर निकाला है, ये 1 के क्रॉसपॉन्डिंग मीन्स क्या आएगा, 5 6 7 5 6 8 9, ठीक है, यही हमने सेम माइनर आप लिख लोगे, 4 6 7 9। सिमिलरली 3 पे रो छोड़ी कॉलम छोड़ दिया, है ना, 4 5 7 8, बेटा ऐसे ही करके इसी मेथड से आप सारे लिख लोगे। नेक्स्ट 4 पे, 4 का ये कॉलम छोड़ा,
है ना, ये रो छोड़ी 2 3 8 9। ओके हाँ जी, यहाँ पे 5 का 8 to 2 कर लोगे सारे बेटा, ये लिख देती हूँ मैं एज इट इज, 1 3 7 9। अब आपको ये निकालने तो आई गए हैं, 6 का जब आप निकालोगे 1 2 7 8, ठीक है, 7 का 2 3 5 6, यहाँ पे 1 3 4 6, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे हमने क्या किया था, -1 बस ऐड करना है आपको। -1 की पावर कितनी आएगी, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3 अगेन, ठीक है, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3 प्लस 2 दैट इज 5, ठीक है, ये हमने सारे निकाल लिए बेटा। अब इसको आपने सॉल्व करना है ना, ये वाले स्टेप को सॉल्व तो कर ही लोगे, ये वाले की वैल्यू तो हमने निकाली दी थी अभी, -3 आई थी, क्योंकि 5 into 9 क्या आ जाएगा, 45, -48, तो ये आ जाएगा -3, -3 into ये क्या है, 1, -1 का स्क्वेयर 1 ही आ गया, 1 into -3, तो आंसर क्या आ गया, -3। ओके हाँ जी, नेक्स्ट बेटा, आपको माइनर अगर नहीं निकालना है पेपर में, सपोज अगर क्वेश्चन आता है कोफैक्टर निकालो, तो फिर आप ये नहीं निकालोगे, फिर आप सीधा कोफैक्टर पे आओगे, ठीक है। कोफैक्टर पे आपको पता ही है, 1 के क्रोस्पॉन्डिंग आप लिख लोगे, 2 के क्रोस्पॉन्डिंग लिख लोगे, 3 के क्रोस्पॉन्डिंग लिख लोगे, -1 की उसके बाद पावर्स ऐड कर देना, नथिंग। अच्छा अब इसको सॉल्व करना आई के डिटर्मिनेंट को, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं दोबारा से नहीं कर रही, क्योंकि वैसे भी मैं एक बार यहाँ पे कर चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 into 9 -6 into 7, ठीक है, तो साथ में -1 की पावर 3, तो -1 नहीं आ गया वो, तो इसको सॉल्व करके देख लो, 36 - 42, तो ये आ जाएगा कितना, -6 into -1, तो कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लोगे बेटा, ये आ जाएगा, ये हमने सॉल्व किया था, -3 आया था और 1 -3, इसको भी सॉल्व कर दोगे, ये अपने पास आया था -6 और -1 इधर से आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। 5 का जब हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी -12, -12 into 1, तो क्या आ गया, -12 अगेन, हाँ जी। 2 3 पे -6 आई थी, -6 into -1 की पावर 5, तो -1 ही आ गया, तो 6, -6 into -1 दैट इज 6, -1 की पावर 4, तो 1 ही आ गया, और इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ही चुके हैं यहाँ पे, -3, -1 की पावर 5, -1 ही है, इंटू हमने 8 वाले पे किया था -6, -6 into -1 दैट इज 6। सिमिलरली हम लोग को फैक्टर ऑफ 9 निकालेंगे, ए 3 3 है, -1 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 9 के करस्पॉन्डिंग मैं यहीं से देख के लिख लेती हूँ, 4 5, ठीक है। इसको सॉल्व किया था, -3 आया था और -1 की पावर 6, वो तो 1 नहीं होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो बेटा ये आपके पास आ गए सारे के सारे कोफैक्टर्स, ठीक है। अभी आप पहले कोफैक्टर्स इतने ही कंप्लीट करो, तो आज आपका क्या रहेगा, चलो आप ये सारे कोफैक्टर्स कंप्लीट कर लो,
अच्छा एक चीज और थी, अगर आप कर पाओ एडजॉइंट ए भी मैं इसी के साथ ही करवा दूं। बेटा एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए में पहली बात, ये जो एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए में सबसे पहले ये जो हमने एलिमेंट्स निकाले हैं ए में, जो एलिमेंट्स हमने कोफैक्टर्स, पहली बात तो माइनस नहीं निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालना है, और एडजॉइंट ए के लिए सिर्फ हमें कोफैक्टर्स ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे हमने क्या चाहिए हमें को एडजॉइंट ए के लिए? वन का, देखो अपने पास पर्पस क्या है, जो वन का कोफैक्टर निकाला है वन पे लिख दो, टू का कोफैक्टर निकाला है टू पे लिख दो, थ्री का कोफैक्टर निकाला है थ्री पे लिख दो। हम जैसे वन का कोफैक्टर निकाला था -3, तो हमने -1 की जगह पे लिख दिया, वन की जगह पे लिख दिया -3, ठीक है, उसकी वैल्यू। फिर हमारे पास एलिमेंट क्या था, टू, टू था, तो टू की जगह पे हमारा कोफैक्टर कितना है 6, तो हमने आज यहाँ पे क्या लिख दिया 6। नेक्स्ट अपने पास था यहाँ पे 3, 3 का क्या है कोफैक्टर -3, तो आपने क्या लिख दिया -3। नेक्स्ट 4 का था 6, देन -12, 6 -12, 6 -12, देन 6 अगेन। 7 का -3, 6, देन -3, ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। एडजॉइंट ए निकालने के लिए जितने भी आपने कोफैक्टर्स वैल्यूज निकाली हैं एलिमेंट्स की, वो एज इट इज यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद इस मैट्रिक्स का ले लो ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा -3, 6 एंड -3, 6 -12, 6 -3, 6 एंड -3, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट ए भी निकालना आ गया, वेरी वेरी सिंपल। बच्चा कुछ भी नहीं था, सिंपल सा था। पहले हमने कोफैक्टर्स निकालिए, कोफैक्टर्स अभी आपको आई गया वन के क्रोस्पॉन्डिंग, ये दोनों हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया, ये लिख लिया है ना, सभी का टू के सामने रो को छुपाया, इसके कॉलम को छुपाया, जो बाकी के 4, 6, 7, 9 हमने सारे इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने -1 की पावर, ये जो सफिक्स को ऐड करके ये उसकी पावर लिख ली, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे करना है, जैसे एक्स को ड्रॉ करते हैं 5 × 9 को माइनस दिस इंटू दिस को, ठीक है। तो इसके बाद सारे स्टेप को सॉल्व कर लिया, कोफैक्टर्स सारे आ गए, कोफैक्टर्स जो भी आए थे वो उसके क्रोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स की वैल्यू लिख दी एलिमेंट्स के क्रोस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो उसका आपने ट्रांसपोज ले दिया, ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो, वो आपने एक और रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो आपके पास एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। तो बेटा आज आपका पर्पज होगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सारे फाइंड आउट करने, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने किया था 2x2 मैट्रिक्स का, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये तो। एंड नेक्स्ट अपने पास आज और हमने किया 3x3 का, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो बेटा, और कोई डाउट आता तो कंफर्म पूछ लो मेरे से। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।